कुरुक्षेत्र के पैनोरमा विज्ञान संग्रहालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली तो वहां हड़कंप मच गया। कुरुक्षेत्र के बम डॉग स्क्वाड ने पैनोरमा विज्ञान केंद्र के साथ साथ श्रीकृष्ण संग्रहालय की भी चप्पे चप्पे की तलाशी ली। पुलिस जांच अधिकारी की माने तो पैनोरमा विज्ञान केंद्र प्रबंधन की ओर से शिकायत मिली थी कि उन्हें ईमेल आई है कि पैनोरमा विज्ञान केंद्र में किसी ने बम रख दिया है जो वहां आने वाले दर्शकों का नुकसान कर सकता है। इसी शिकायत के आधार पर बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड व तकनीकी टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अब वहां शांति व सुरक्षा बहाल कर दी गई है और अफवाह फैलाने वाले की तलाश की जा रही है। जी सर, क्या कहेंगे, पैनोरमा में एक शरारती तत्वों द्वारा धमकी दी गई? ऐसा है, हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र से। उन्होंने बताया था कि कोई मेल आई है जिस पे कोई प्रॉपर एड्रेस पता नहीं है, और उन्होंने पैनिक क्रिएट करने के लिए बोल दिया था कि हमने यहाँ कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं आपके उसमें रख रखी हैं केंद्र में, विज्ञान केंद्र जो है। तो उस कंप्लेंट के ऊपर हमने हमारी टेक्निकल टीमें वहाँ बुला के बम स्क्वाड वगैरह और भी जो टेक्निकल फ्रिस्किंग पूरे सेंटर की गई है, और वहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कोई आपत्तिजनक वस्तु सामान वहाँ नहीं मिला है और पूर्णतः शांति और सुरक्षा बिल्कुल बहाल है। उसकी शिकायत की जांच जारी है? हाँ जी, जो कंप्लेंट हमारे को दी गई है एक बार उसको चेक किया जा रहा है किस तरह की मेल है, कैसे कहां से प्राप्त हुई है, वो जांच का विषय किया जा रहा है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।